खदानों को हड़पने के लिए इस तरीके का जब बड़ी साजिश के तहत जब होता है तो ये इसका विरोध जम के होना सर। जी आपका नाम क्या है और आज यहाँ पे जो ग्राम सभा की जांच की गई है उसमें क्या आपका नाम है? सवाल यह है कि कैसा हुआ होगा नाम उसमें जिस तरीके का उसमें उल्लेख है नामों का और वो वही जाहिर होता है कि ये सब फर्जी है। फर्जी ग्राम सभा नहीं हुई। आपके कहने के हिसाब से फर्जी ग्राम सभा जांच होने के बाद ही क्लियर होगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच उप सरपंच या वार्ड मेंबर नहीं कर सकता है और इस वो जो लिखा है जिस ग्राम सभा की जांच हो रही है और उसमें सरपंच की अध्यक्षता करने का उल्लेख है तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज जाहिर हो रहा है कि ये सब गलत है। आप लोगों ने आम सहमति बनाकर यहाँ बयान दर्ज कराने का फैसला लिया है ग्रामीणों के द्वारा और ये गांव वालों से पूछ रहे हैं कि ये तुम थे या नहीं थे क्या था क्या नहीं हुआ था। सवाल ये होना चाहिए उन अधिकारियों को उल्टा हम लोगों को पूछना चाहिए गांव वालों को पूछना चाहिए कि आखिर ग्राम सभा होता क्या है। ये सामान्य ग्राम सभा नहीं है। जब किसी खदान या कोई स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए जब ग्राम सभा होता है तो उसके शासन से आदेश होता है कलेक्टर का आदेश होता है और कलेक्टर के समकक्ष कोई अधिकारी वहां उपस्थित होगा ग्राम सभा में और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगा और उसके उपरांत ही ये ग्राम सभा संपन्न होगा। उसमें जो भी मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होगी फिर उस पर फैसले होंगे ये उसकी प्रक्रिया है। लेकिन ये सारी चीजों का पालन नहीं हुआ इस सारे और पंचायत कानून का ये जो क्या नाम शेड्यूल एरिया के लिए स्पेशल ग्राम सभा का जो प्रावधान है उसमें 129 धारा 129 और उसमें सेक्शन 4 में वो जो भाग 4 में स्पष्ट रूप से मनाई है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच उप सरपंच या वार्ड मेंबर नहीं कर सकता है और इस वो जो लिखा है जिस ग्राम सभा की जांच हो रही है और उसमें सरपंच की अध्यक्षता करने का उल्लेख है तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज जाहिर हो रहा है कि ये सब गलत है तो फिर जांच तो अधिकारियों को इस पर होना चाहिए। फिर ये सब लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है? उल्टा ये इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो नाटक कर रहे हैं। ग्राम सभा कैसे उस समय ग्राम सभा हुआ था नहीं हुआ था क्या कहना है आपका? ग्राम सभा हुआ ग्राम सभा ग्रामीण तो कह रहे कि नहीं हुआ था जांच में पता चलेगा ग्राम सभा तो हुआ ग्राम सभा हुआ था सभी जो हस्ताक्षर अंगूठे के निशान वो सही है जाँच होगा अधिकारी भेजेंगे उसके बाद ही पता चलेगा साइन तो किए थे उस समय ग्राम सभा में कौन कौन अधिकारी शामिल हुए थे? कोई अधिकारी नहीं आपने अकेला लिया था? नहीं गाँव वाले थे शासन का कोई आदेश नहीं था ग्राम सभा का मतदाता सूची में भी आपने जो अभी चिन्हांकित किया पहचाने जो वो नाबालिग अपने आप को बता रहे हैं उनकी भी मतदाता सूची में नाम था? नहीं नहीं नाबालिग का नहीं जिनका नाम था उन्हीं का मतदाता सूची उन्हीं का नाम जांच में थे ना ये कि ये फर्जी ग्राम सभा हुआ इसके जांच पूरा होने के बाद तो ये तो पूरा सचिव बुरी तरह से फंसने का है। आपने क्या बयान में दर्ज कराया है? मैंने बोला मैं तो उस टाइम मेरा एज भी नहीं था और मैं तो ग्राम सभा में गया ही नहीं मेरे को तो उस टाइम नॉलेज ही नहीं था ग्राम सभा क्या होता है तो उस टाइम मैं तो हॉस्टल में रहा उस टाइम मेरा एज भी नहीं था और मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा वोटर लिस्ट बना ही नहीं था मैं 2015 में वोटर लिस्ट बनाने बोला। दो गांव के दो नाबालिगों का भी नाम है यहां पे 2014 में जो नाबालिग थे वो भी इस जांच में शामिल है। बहुत बहुत गजब है नामों पर तो मत जाइएगा वो नामों पर जाएंगे तो अने और एक ज्यादा तमाशा है वो। अब जिसमें पिता का नाम नहीं है पति का नाम नहीं है घर का जो टाइटल होता है क्या नाम माड़वी होता है कुंजाम होता है करती होता है कुछ नहीं है बस नाम है तो ये और एक नाटक है इस पूरे मामले में। नहीं नाबालिग जो 2014 में नहीं नाबालिग की बात अब उससे तो पता भी नहीं लगेगा ना कौन महेश महेश बोलने से सुनील बोलने से कैसा पता लगेगा इस बड़े गांव सचिव ने वो क्या है इंगित ये सब सचिव कुछ अधिकारियों का मिली भगत है ये सब कूट रचना किया है ये लोग मिल करके तमाम सब संपन्न कराए और ये सब खदानों को हड़पने के लिए इस तरीके का जब बड़ी साजिश के तहत जब होता है तो ये इसका विरोध जम के होना चाहिए। क्या लगता है जांच भरोसा जांच केवल नाटक है वो सब ऊपर फिक्स हो गया है मैच। फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की विधि विवत है जन सुनवाई से लेकर ग्राम सभा तक फर्जी करवाई गई फिर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं बयान भी दर्ज करवा रहे हैं फिर न्याय की उम्मीद कहाँ रख रहे हैं और कैसे आपको न्याय मिले? देखिए एक हम लोगों ने कहा कि गांव वाले आके अपना बयान देंगे वो दे रहे हैं अब उसके बाद क्या करने वाले मुझे नहीं मालूम
पर हमने कहा कि चलो गांव वालों से पूछ लिया जाए, वो पूछ रहे हैं और अब सभी गांव वाले बोल रहे हैं कि हम ऐसा हुआ नहीं, और फिर होगा कैसे। और सवाल यह है कि कैसा हुआ होगा, नाम उसमें जिस तरीके का उसमें उल्लेख है नामों का, और वही जाहिर होता है कि ये सब फर्जी है। वो तो नाम से कहीं से पता नहीं लगता कि ये कहाँ कहाँ है। तो कैसे न्याय मिलेगा आप लोगों को, क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों? नहीं, हम लोग इस जांच का जो नाटक है इसका परिणाम देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी तो अब देखिए, मैं आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से हम आज पूरे प्रदेश को, देश को और सबको बताना चाहते हैं कि आदिवासियों के हिस्से में तो केवल लड़ाई है और लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं, और इस तरीके के जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए आदिवासी हर जगह उठ खड़ा हुआ है और हम लड़ेंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है।